हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्रिकेट स्कोर प्रिडिक्शन करेंगे। सो मान लो अगर किसी मैच में फर्स्ट इनिंग्स में कोई टीम बैटिंग कर रही है, तो बेस्ड ऑन द करेंट मैच सिचुएशन हम प्रिडिक्ट करेंगे कि उस इनिंग्स में कितने रन्स बनेंगे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, T20 मैच, और इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रही है, 7 ओवर हो चुके हैं और इंडिया का रन है 63 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो बेस्ड ऑन दीज इनपुट कंडीशंस वी विल प्रिडिक्ट कि 20 ओवर्स होने के बाद इंडिया का स्कोर कितना होगा। ठीक है, द गुड पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज कि मैंने इसको इंटरनेशनल T20 मैचेस के डेटा पे ट्रेन किया है, IPL के डेटा पे ट्रेन नहीं किया। सो अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, आप उन मैचेस में इस मॉडल को चला के देख सकते हो। सेकेंड इज, इस प्रोजेक्ट को मैंने एंड टू एंड किया है और जो R2 स्कोर है वो बहुत बढ़िया आया है और हमने उसको वेबसाइट में कन्वर्ट किया है और हेरोकू पे डिप्लॉय किया है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू द डेमो ऑफ दिस प्रोजेक्ट और उसके बाद फिर हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वेबसाइट बाय द वे। ये वेबसाइट हमने बनाया है और इतना इनपुट यूजर को प्रोवाइड करना है और बेस्ड ऑन दैट इनपुट आपको आपका स्कोर प्रेडिक्शन मिलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको 3-4 मैचेस का आउटपुट दिखाता हूँ जो पास्ट में मैचेस हो चुके हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैच है जो इस साल हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में एक T20 सीरीज हुई थी मार्च में। तो उसमें जो फर्स्ट T20 था उसमें इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 124 7 विकेट्स पे बनाए थे। अब मुझे ये मिला है कि इसी मैच में जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो आफ्टर 5.3 ओवर्स इंडिया का स्कोर 21-3 था। ठीक है, तो हम ये मैच सिचुएशन को हमारे ऐप में डालेंगे यहाँ पर। सो ये जो मैच है ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में है, जो करंट स्कोर है वो है 21 आफ्टर 5 ओवर्स और विकेट्स जो आउट हुए हैं वो हो गए हैं 3। ठीक है, और लास्ट 5 ओवर में मान लेते हैं 21 रन्स बने हैं। ये भी इनपुट यहाँ पे मैं मांग रहा हूँ कि लास्ट 5 ओवर्स में कितने रन्स बने हैं। ठीक है, और अब जब मैंने प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, दिस इज द आउटपुट। अकॉर्डिंग टू करेंट मैच सिचुएशन इंडिया 126 रन बनाएगी एंड इंडिया हैज मेड 124। ठीक है, मैं आपको एक दो मैचेस का और दिखाता हूँ। जैसे ये एक मैच हुआ था अगेन इसी साल जुलाई 16 को, वेस्ट इंडीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास ओवर बाय ओवर डेटा है। मैं आपको 10 ओवर्स के मार्क्स पे प्रिडिक्शन करके दिखाता हूँ। सो 10 ओवर के एंड में 119-2 स्कोर था। सो विल सेलेक्ट वेस्ट इंडीज एज बैटिंग टीम, ऑस्ट्रेलिया एज बॉलिंग टीम। 119, 10 ओवर्स के बाद 2 विकेट्स आउट हुए हैं। ठीक है, ऑल्सो हमें ये बताना है कि पिछले 5 ओवर्स में कितने रन आए। तो 10th ओवर में 4 और 13, 17, 35, 38 और 21, 59 रन्स आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 59 रन्स आए हैं लास्ट 5 ओवर्स में। और प्रेडिक्ट पे क्लिक किया एंड यू कैन सी द प्रेडिक्शन इज कि 200 रन्स बनेंगे। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इट इज 199.48। ठीक है, ऑल्सो वी हैव वन मोर मैच, इंडिया वर्सेज श्रीलंका। इसमें इंडिया ने 164/5 बनाए हैं। 10 ओवर के मार्क्स पर अगर हम जाएं तो 78/2 है। इंडिया वर्सेज श्रीलंका द स्कोर इज 78/2 और लास्ट 5 ओवर्स में इंडिया ने बनाए हैं 8, 19, 23, 27 और 16, 43 रन्स। या 43 रन्स। सो अगर हम यहाँ पे डालें 43, सो 168 का आउटपुट है और इंडिया ने बनाए थे 164। ठीक है, वन लास्ट मैच, दिस इज अगेन अप्रैल में एक मैच हुआ था इस साल, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच में, और 10 ओवर के एंड में जो स्कोर था वो पाकिस्तान नहीं, साउथ अफ्रीका का स्कोर था 102/3। सो अच्छा, यहाँ पे मैंने साउथ अफ्रीका रख डाल दिया, शुड बी श्रीलंका। 171 दिखा रहा है जबकि यहाँ पे रन्स बने हैं
164, तो ये थोड़ा सा ऑफ है यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन, बट अगेन बहुत ज्यादा ऑफ नहीं है. ठीक है, लास्ट वन इज साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, और मैच सिचुएशन आफ्टर 10 ओवर्स इज 98 for 2, 98 for 2. लास्ट 5 ओवर में 13 और 18, 31, 43, 49 and 11, 60. अब कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, आप लोग बाद में ट्राई कर सकते हो. लेट्स सी, 180 का प्रिडिक्शन बता रहा है और इन्होंने बनाया है 188. सो अगेन थोड़ा सा ऑफ है, बट बहुत ज्यादा ऑफ नहीं है. सो या मतलब अभी जो फीचर्स मैंने यूज किए हैं इसमें, आई वॉज एबल टू अचीव आर टू स्कोर ऑफ 0.92, और जो मेरा मीन एब्सोल्यूट जो एरर आ रहा था दैट वॉज अराउंड 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 रन्स प्लस माइनस में गड़बड़ हो रहा था. कुछ मैचेस में थोड़ा हट रहा है, बट अगेन ऐसा कुछ वियर्ड प्रिडिक्शन नहीं आ रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग. ठीक है, ऑल्सो अगर आप टीम्स वगैरह चेंज करोगे तो सारी चीजों का फैक्टर समझ में आता है. जैसे इंडिया को अगर आप रखोगे तो इंडिया की वजह से लाइक इंडिया का बॉलिंग और ज्यादा मार खाता है शायद, इसलिए ऐसा है. लेट्स से हम इंग्लैंड रखते हैं, इंग्लैंड और ज्यादा है. कौन सी टीम अच्छी है, न्यूजीलैंड शायद अच्छी बॉलिंग करती है. सभी के साथ ऐसा ही है, ये साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड श्रीलंका के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं है, या श्रीलंका के अगेंस्ट उतना अच्छा नहीं है, बट या मतलब ये ठीक ठाक प्रिडिक्ट कर रहा है. सो गाइज अभी मैंने आपको डेमो दिखाया और अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे. और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डेटा सेट हमें कहाँ से मिलेगा. लाइक ऑलवेज हमारा डेटा सेट कैगल पे है. दिस इज द डेटा सेट, क्रिक शीट बोल के एक डेटा सेट है, और ये बहुत ही एक्सटेंसिव डेटा सेट है अबाउट डिफरेंट क्रिकेट फॉर्मेट्स. सो अगर आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे आपको सारे क्रिकेट फॉर्मेट्स जो भी हैं, टेस्ट मैचेस, वनडे और T20, तीनों फॉर्मेट्स का हमें डेटा अलग अलग मिल रहा है. इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, ये जो मैचेस होते हैं ना, जैसे IPL होता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में BBL होता है, तो ये जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता है उसका भी डेटा हमारे पास है. सो यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि टोटल मिला के इतने मैचेस का डेटा है, इतने टेस्ट मैचेस का डेटा है, इतने मल्टी डे मैचेस का डेटा है, इतने ODIs का डेटा है, और इन फोल्डर्स में बेसिकली वो डिवाइडेड है. ठीक है, अब हमें मतलब है सिर्फ ये T20 से जिसमें 1400 मैचेस का डेटा है. अब अगर आप इसके अंदर जाओ तो यहाँ पे हर मैच का डेटा एक YAML फाइल में है. ठीक है, अब YAML इज लाइक JSON, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट यू कैन सी यहाँ पे बॉल बाय बॉल डेटा हमारे पास हर मैच के लिए है. ठीक है, सो मेटा डेटा, इन्फो, इनिंग्स, और फिर हर बॉल पे क्या हुआ, ये सारा डेटा है टोटल मिला के 1433 मैचेस का. ठीक है, एक्चुअली इतने मैचेस हुए नहीं है अभी तक, इंटरनेशनल T20 मैचेस अभी तक 1433 नहीं है, टोटल मिला के आई गेस अराउंड 900 मैचेस हुए हैं टोटल T20 मैचेस. ये जो बाकी का डेटा है वो वेमेन्स T20 का है. ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह पर जेंडर बोल करके भी एक कॉलम है, जैसे कि यहाँ पे जेंडर मेल है, तो ये जो मैच है वो मेल टीम्स के बीच में हुआ है. सिमिलरली यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐसी होंगी जहाँ पे जेंडर फीमेल होगा. ठीक है, तो हमें वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा, बट या हमारा काम ये है कि हम इसको पूरा डाउनलोड कर लें. ठीक है, इस चीज़ को हमें डाउनलोड करना है. ओके, सो ये अराउंड 60 MB था जितना मैंने डाउनलोड किया था, मुझे भी याद नहीं है, एक बार मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ. सो नहीं, एक्चुअली इतना ज़्यादा है नहीं, तो छोटा सा डेटा है, इसको बस आपको काइंड ऑफ ओपन करना है और इन सारी फाइल्स को, सो देर आर अराउंड 1433 फाइल्स, हर मैच की एक फाइल है, इसको आपको एक फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है. सो मैंने वो काम कर दिया ऑलरेडी, आई विल इनफैक्ट शो यू. सो ये मैंने एक फोल्डर बना लिया है मेरे कंप्यूटर पे, डेटा के अंदर यू कैन सी ये सारे मैचेस का डेटा है. ठीक है, आई कैन एक्चुअली शो यू वन मैच. सो ओपन विथ, ओके, ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, कुछ
कोई बात नहीं, मैं इसको पैंडास में ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ मुझे पर्सनली लगी है वो था डेटा एक्सट्रैक्शन। सो यहाँ पे जो डेटा है वो आपकी यामल फाइल में है, उसको पैंडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना सबसे डिफिकल्ट काम था, ठीक है। और उसमें काफ़ी टाइम भी लगा, तो मैं दोबारा से इसको नहीं करूँगा। मैंने एक फाइल बना रखी है डेटा एक्सट्रैक्शन बोल के, डेटा एक्सट्रैक्शन बोल के यहाँ पर एक फाइल है, यहाँ पे मैंने एक कोड लिख रखा है जो मुझे ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा मेरे डिजायर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। तो आई जस्ट वॉक थ्रू द कोड, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, इंक्लूडिंग दिस वन फ्रॉम यामल इंपोर्ट सेफ लोड। इसको यूज़ करके हम यामल से डेटा पैंडास में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ओएस मॉड्यूल को यूज़ करके सारी फाइल्स का नाम एक्सट्रैक्ट किया। सो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो मेरे पास अराउंड 1433 फाइल्स हैं और हर फाइल का पाथ मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद अब ये कोड सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके हर फाइल में घुस रहा हूँ और उसको जेसॉन नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, और अंदर ही अंदर मैं सेफ लोड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो यामल को हैंडल करने के काम आता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हर फाइल का डेटा उठ रहा है और फाइनल डीएफ बोल के एक डेटा फ्रेम में अपेंड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, मैंने इसीलिए यहाँ पे TQDM लगा रखा है सो दैट मुझे प्रोग्रेस पता चलता रहे। सो मैंने इसको रन किया और अभी ये दिखा रहा है कि इट वुड टेक अराउंड 6 मिनट्स, ठीक है। और मैं काम करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसा है। सो या गाइज, ये लूप पूरा खत्म हो चुका है और समहाउ यहाँ पर जो लास्ट फाइल है उसमें कुछ एरर आ रहा है, मैं फिगर आउट नहीं कर पाया, बट मैं आपको बाकी का जो डेटा एक्सट्रैक्ट हो पाया है वो दिखाता हूँ। सो हमारा जो डेटा है वो फाइनल डीएफ के अंदर है। सो सबसे पहले मैंने एक काम कर लिया है, फाइनल डीएफ का एक कॉपी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, फ्यूचर में काम आ सकता है। बट या दिस इज फाइनल डीएफ गाइज, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं एंड यू कैन सी देर आर 1432 रोज, इतने मैचेस का डेटा है अक्रॉस 28 कॉलम्स, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो इनिंग्स बोल के जो कॉलम है, इसमें उस पर्टिकुलर मैच का बॉल बाय बॉल डेटा है जो हमें आगे बहुत यूजफुल रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलम्स में डेटा है जो उतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए, जैसे ये मेटा डेटा है, ये सब उतने यूजफुल नहीं है। किस डेट पे मैच खेला गया थोड़ा यूजफुल है, जेंडर मेल मैचेस हैं या फीमेल मैचेस हैं, मैच टाइप बताया हुआ है, मैच जिसने जीता कितने विकेट से जीता, और इस तरीके के बहुत सारे कॉलम्स हैं और इसमें से बहुत सारे कॉलम्स काम के नहीं है, ठीक है। सो मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद क्या किया, उन सारे कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया जो मुझे मेरे काम के नहीं लगे, ठीक है। बाकी आप एक बार खुद से इस नोटबुक को चला के देख सकते हो और आप खुद इस कंक्लूजन पे रीच कर सकते हो कि कौन से कॉलम्स चाहिए कौन से नहीं चाहिए। सो जैसे ही मैंने इसको रन किया और अब जो मेरे पास फाइनल डीएफ है, नाउ आई हैव गॉट ओनली 14 कॉलम्स, ठीक है। इनिंग्स, कौन से डेट पे मैच हुआ, जेंडर और मैच टाइप, आउटकम विनर एज इन मैच कौन जीता, कितने ओवर्स का मैच था, प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही थी, टॉस डिसीजन क्या था, टॉस विनर क्या था, अंपायर्स कौन थे, वेन्यू क्या था मैच का एज इन कौन सा स्टेडियम था। ये मैच आईडी कॉलम मैंने खुद से बनाया है, ऊपर आपको कोड में दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर मैंने काउंटर लगा के मैच आईडी खुद से क्रिएट किया है क्योंकि मुझे मैच आईडी दिखाई नहीं दिया। और लास्ट में है सिटी, जो कौन सी सिटी में मैच हुआ, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें थोड़ा और हमें प्री प्रोसेसिंग चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले इन्फो जेंडर वाले कॉलम के ऊपर जब वैल्यू काउंट्स लगाया तो मुझे दिखाई दिया कि टोटल मैचेस जो बंदों ने खेले हैं वो 996 हैं और जो बंदियों ने खेले हैं वो 466 है। तो इस पॉइंट पे सिंस हम लोग ये पूरा जो मॉडल बना रहे हैं वो इस वर्ल्ड T20 के लिए बना रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के लिए बना रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू टेक ओनली मैचेस वेयर मेल प्लेयर्स वर प्लेइंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर कर लिया और फिल्टर करने के बाद यू कैन सी कि हमारे पास अब सिर्फ 966 मैचेस का डेटा है और 13 कॉलम्स हैं क्योंकि मैंने ये इन्फो जेंडर वाला कॉलम भी हटा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने दो और कॉलम्स पे फोकस किया, फर्स्ट मैच टाइप के ऊपर विच इज दिस कॉलम जहाँ पे T20 का वैल्यू लिखा हुआ है, और सेकंड मैंने फोकस किया इन्फो ओवर्स के ऊपर। तो
तो जब मैंने इनके ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाए तो आई नोटिस कि T20 वाले कॉलम में, एज इन मैच टाइप वाले कॉलम में, सारी वैल्यूज T20 ही है अब हमारे पास। और इन्फो ओवर्स में 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें ओवर 50 है, तो ऑब्वियसली मैच टाइप का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और इसमें आपको थोड़ा सा बस फिल्टर करना है, सिर्फ उन मैचेस को रखना है जहाँ पे मैचेस में ओवर्स 20 ओवर्स थे। तो मैंने वही किया, मैंने फिल्टर आउट कर लिया और फिर ये दोनों कॉलम्स को भी ड्रॉप कर दिया। अब मेरे पास ये चीज़ बची हुई है, ठीक है, इतनी चीज़ें मेरे पास बची हुई हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि मुझे बॉल बाय बॉल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ऑल्सो मैंने एक और काम किया, सिंस काफ़ी मेहनत लग रही थी इस पूरी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में, तो कोड लॉस ना हो इसलिए मैंने पिकल कर दिया। अभी तक मैंने जितना भी काम किया उसको एक फाइल में, ठीक है, वो मैं कर देता हूँ। और यू कैन सी यहाँ पर एक फाइल है, सो मुझे बार बार यामल डेटा को उठाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रोग्रेस यहाँ पर सेव्ड है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, मैचेस बोल के एक वेरिएबल में अभी तक का जो भी मेरा डेटा फ्रेम था उसको मैंने लोड किया। जस्ट 1 सेकेंड। या अब देखो, सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे पास वो ये है कि हमें बॉल बाय बॉल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉल बाय बॉल डेटा कितना ट्रिकी है। सो अगर आप, और बाय द वे अब मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ, अगर मैं इनिंग्स वाले कॉलम को निकालूँ तो ये एक सीरीज है। अब इसमें से अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को निकालूँ तो ओके, मैचेस ये रहा, और मैचेस डॉट आई लॉक का 0, एज इन फर्स्ट रो का सारा डेटा निकाला मैंने, और उसमें से मैंने इनिंग्स का डेटा निकाला। एंड यू कैन सी दिस इज द इनिंग्स का डेटा। अब ये क्या है, ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर 2 डिक्शनरीज हैं। अगर मैं इसका आपको लेंथ निकाल के बताऊं तो इस लिस्ट में 2 डिक्शनरीज हैं। सी, जो पहली डिक्शनरी है वो है फर्स्ट इनिंग्स की डिक्शनरी, और जो दूसरी डिक्शनरी है वो है सेकंड इनिंग्स की डिक्शनरी, ठीक है। अब हम जो मॉडल बना रहे हैं उसमें हम फर्स्ट इनिंग्स में कितना स्कोर बनेगा ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो हमें ऑब्वियसली सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर फोकस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस डिक्शनरी में घुस रहा हूँ, और उस डिक्शनरी में घुसने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, एंड यू कैन सी ओके, आई हैव टू गो टू 0 एंड देन आई हैव टू गो टू फर्स्ट इनिंग्स, एंड यू कैन सी अब इस डिक्शनरी के अंदर 2 और की वैल्यू पेयर्स हैं। एक है टीम, जो टीम बैटिंग कर रही है, और सेकंड है डिलीवरीज, ठीक है। तो टीम तो निकालना बहुत इजी है, बट मैं आपको डिलीवरीज निकाल के दिखाता हूँ। एंड यू कैन सी अब डिलीवरीज जो है वो खुद एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर अब टोटल मिला के हर बॉल का जो डेटा है वो है, ठीक है। अगर मैं लेंथ निकालूं इसका तो यू कैन सी 125 बॉल्स फेंकी गई हैं इस इनिंग्स में, इन दिस मैच, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, एक एक करके हर बॉल का डेटा निकालना है कि बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, रन्स कितने आए, अगर कोई आउट हुआ तो कौन आउट हुआ, ठीक है। ये सारा डेटा मुझे बॉल बाय बॉल निकालना है, ओके। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था तो मैंने फिर से क्या कर रखा है, मैंने एक कोड लिख रखा है, दिस इज द कोड। थोड़ा सा अब ये कॉम्प्लेक्स है कोड, बट जब ये कोड चल जाएगा तो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ आउटपुट क्या होगा। सो मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ और जो भी आउटपुट है वो इस डिलीवरी DF वाले डेटा फ्रेम में है। सो दिस इज द आउटपुट। मैंने क्या किया, हर मैच के लिए, सो मेरे पास 932 मैचेस थे, हर मैच के लिए फर्स्ट इनिंग्स का बॉल बाय बॉल डेटा मैंने निकाल लिया। सो अब मेरे पास एक नया डेटा फ्रेम है जहां पे टोटल मिला के 1,15,000 रोज है, ठीक है। अगर आप करके देखो, 932 मल्टीप्लाइड बाय हर मैच की हर इनिंग्स में 120 के अराउंड होता है, तो 1,11,000 होना चाहिए था, बट 1,15,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि वाइड्स वगैरह, एक्स्ट्रा बॉल्स वगैरह जाती हैं, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या डेटा
अपने पास रखा है, मैच आईडी, कौन कौन सी टीम्स खेल रही हैं, बैटिंग टीम कौन सी है, कौन सी बॉल चल रही है अभी, बैटिंग कौन कर रहा है, बॉलर कौन है, उस बॉल पे कितने रन्स आए, क्या प्लेयर आउट हुआ, कौन सी सिटी में ये मैच हो रहा है और कौन से ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है, इतना इंफॉर्मेशन मैंने अपने पास रख लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको इस तरीके से चेंज करना है कि मैं अपना मॉडल बिल्ड कर पाऊँ। तो मैंने पूरा काम तो कर ही रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से फीचर्स यूज़ करूँगा। सो गाइस, मुझे ये इनपुट डेटा चाहिए अपना मॉडल बिल्ड करने के लिए, टू प्रिडिक्ट कि फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन्स बनेंगे, मुझे ये सारे फीचर्स चाहिए। ठीक है, मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। फर्स्ट, बैटिंग कौन सी टीम कर रही है, सेकंड, बॉलिंग कौन सी टीम कर रही है, इस पॉइंट पे आफ्टर दिस बॉल कितने रन्स बन चुके हैं, आफ्टर दिस बॉल कितने विकेट्स गिर चुके हैं, करेंट रन रेट क्या है, कौन सी सिटी में मैच हो रहा है, इस बॉल के बाद कितनी बॉल्स बची हैं और लास्ट 5 ओवर में कितने रन्स आए हैं। ठीक है, तो हमें ये डेटा चाहिए, इस फॉर्म में हमें अपना डेटा चाहिए। सो हम अगर अभी अपने करंट सिचुएशन से कंपेयर करें तो हमारे पास बैटिंग टीम है, बॉलिंग टीम नहीं है, ये टीम्स के अंदर से हमें बॉलिंग टीम निकालना पड़ेगा, बैट्समैन और बॉलर हमें नहीं चाहिए, प्लेयर डिसमिस्ड, बस सिटी है हमारे पास। सो टोटल मिला के हमारे पास अभी सिर्फ बैटिंग टीम है और सिटी, और सिटी में भी प्रॉब्लम क्या है कि देर आर नैन वैल्यूज, तो कम्प्लीटली हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, बैटिंग टीम। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, ये सारे कॉलम्स बनाएंगे। तो बैटिंग टीम हमारे पास है, अब हम लोग बॉलिंग टीम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बॉलिंग टीम एक्सट्रैक्ट करना बहुत सिंपल था, मैंने एक फंक्शन लिख दिया कि तुम जा करके टीम्स में घुसो और उस टीम का नाम निकालो जो बैटिंग टीम नहीं है। ठीक है, बस इतना सा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इस कोड को रन करने के बाद यू कैन सी अब मेरे पास एक नया कॉलम आ चुका है जहां पे बॉलिंग टीम भी है। ठीक है, तो अब मुझे ये टीम्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास बैटिंग टीम आ चुकी है, मेरे पास बॉलिंग टीम आ चुकी है, तो आई वुड जस्ट ड्रॉप टीम्स। ठीक है, और अब अगर मैं ड्रॉप करने के बाद आपको दिखाऊं तो दिस इज द करेंट सिचुएशन ऑफ आर डेटा फ्रेम, बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम आ चुका है। अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम क्या है कि सभी मैचेस हम नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टीम्स का डेटा है। मैं आपको इनफैक्ट दिखाता हूँ, अगर मैं जाऊं बैटिंग टीम या फिर बॉलिंग टीम में और सारी यूनिक वैल्यूज को अगर मैं निकालूं तो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ टीम्स लाइक हांगकांग, पीएनजी, फिलीपींस, घाना, युगांडा, ठीक है, बेल्जियम। अब ये सारी टीम्स का प्रॉब्लम क्या है कि इनके मैचेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम इन सारी टीम्स को भेजेंगे तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, हमारा मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा, बायस डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई हम सिर्फ टॉप 10 टीम्स को रख रहे हैं जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलती हैं, क्योंकि इनके ही मैचेस सबसे ज़्यादा हमारे पास है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक नया लिस्ट बना दिया टीम्स बोल करके और सिंपली फिल्टरिंग कर दी इज इन को लगा करके, और इतना करने के बाद अब जब मैं आपको दिखाऊंगा कि डिलीवरी डीएफ का क्या हाल, तो यू कैन सी कि हमारा जो डिलीवरी डीएफ है उसमें काफ़ी सारे रोज कम हो चुके हैं एंड करेंटली हमारे पास बस 63,888 रोज बचे, पहले हमारे पास अराउंड 1,15,000 थे, तो काफ़ी सारे मैचेस कम हो गए। ठीक है, बट बहुत सारी टीम्स भी कम हो गई, तो अब हमारे पास सिर्फ टॉप 10 टीम्स के ही मैचेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस पूरी चीज़ को, इसमें से जो भी कॉलम्स मुझे चाहिए थे उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके एक नए डेटा फ्रेम में डाल रहा हूँ सो दैट ये डिलीवरी डीएफ सेफ रहे। सो मैं मैच आईडी ले रहा हूँ, इसकी मुझे थोड़ी देर बाद ज़रूरत पड़ेगी, बैटिंग टीम ले रहा हूँ, बॉलिंग टीम ले रहा हूँ, कौन सी बॉल चल रही है ये ले रहा हूँ, और रन्स कितने बने उस बॉल पे, प्लेयर डिसमिस्ड, सिटी और वेन्यू ले रहा हूँ। ठीक है, और आई एम क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो मैंने कुछ कॉलम्स हटा दिए, बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, सब हटा दिया, और ये जो मेरा करंट स्टेट है इसको भी मैंने डंप कर दिया पिकल यूज करके,
सो दैट फ्यूचर में अब कभी भी स्टार्ट करूँ तो मैं एटलीस्ट इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ. ठीक है, तो इसको भी मैं डंप कर रहा हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पर अब मेरे पास ये लेवल टू आ चुका है. अब मैं आगे का काम लेवल टू पे स्टार्ट करूंगा. सो मेरा जो डेटा एक्सट्रैक्शन का काम था वो मैंने कर लिया. मेरे पास फाइनली ये डेटा बचा है 63,000 रोज के साथ, इन कॉलम्स के साथ. अब इन कॉलम से मुझे क्या करना है, ये फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट टू. सो गाइज, डेटा एक्सट्रैक्शन तो हो गया है, अब हम लोग फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे. और उसके लिए मैंने एक नई फाइल बनाई है जहाँ पे मैंने ये सारे इम्पोर्ट्स ले लिए. अब सबसे पहले आई वुड राइट पिकल डॉट लोड एंड ओवर हियर आई पास द लेवल टू फाइल. रीड बाइनरी मोड में ओपन करेंगे. ये हमारा डेटा है, इसको हम लोग फिलहाल एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं df. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये सारे फीचर्स बिल्ड करने हैं. तो हमें सबसे पहले चाहिए है बैटिंग टीम, उसके बाद चाहिए है बॉलिंग टीम, उसके बाद चाहिए है सिटी, उसके बाद चाहिए है करंट स्कोर, उसके बाद चाहिए है बॉल्स लेफ्ट, विकेट्स लेफ्ट, करंट रन रेट और लास्ट फाइव ओवर्स. करंट रन रेट एंड लास्ट फाइव ओवर में रन्स कितने आए. टोटल मिला के हमें 8 कॉलम चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. या ठीक है. अब अगर आप बात करो तो बैटिंग टीम हमारे पास है, बॉलिंग टीम हमारे पास है, बाकी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी. तो सबसे पहले सिटी पे फोकस करते हैं. तो सिटी में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप df डॉट इज नल डॉट सम को अगर आप कॉल करोगे तो यू वुड फाइंड कि आउट ऑफ 63,000 रोज 8500 रोज में वैल्यूज मिसिंग है. ठीक है, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने पास वेन्यू रखा था. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या प्लान कर रहा हूँ. सो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो भी मिसिंग रोज है वहां पे वेन्यू का वैल्यू क्या है, तो हम ये कोड लिखेंगे df डॉट इज नल. एक्चुअली df का सिटी डॉट इज नल. ठीक है, ट्रू फॉल्स एक सीरीज मिल रहा है. इसको अगर मैं वापस df में डाल दूं तो मुझे सिर्फ वो रोज मिल रहे हैं जहां पे सिटी का वैल्यू मिसिंग है. अब इन सभी जगहों पे अगर मैं आपको वेन्यू निकाल के दिखाऊं और वेन्यू के ऊपर भी अगर मैं वैल्यू काउंट्स लगा दूं तो यू कैन सी कि जितनी भी वेन्यूज हैं उन सभी का क्रिकेट स्टेडियम का नाम मेरे पास है. जैसे अराउंड 3,000 रोज में स्टेडियम है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, तो मुझे पता है कि ये सिटी दुबई है. ठीक है, सिमिलरली मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड, तो मुझे पता है कि ये सिटी मेलबॉर्न ही है. ठीक है, तो इफ यू सी अ पैटर्न, अगर मैं स्टेडियम के नाम में से फर्स्ट वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर पाऊं तो मैं उसको डाल सकता हूँ हमारे मिसिंग वैल्यूज में. ठीक है, तो वही मैं करने वाला हूँ. मैं ये कोड लिख रहा हूँ एनपी एज इन मुझे numpy की जरूरत है, तो आई वुड इम्पोर्ट numpy as np. I'll come down and I would write np dot where, और यहां पे I would write df का city dot is null. अगर null value है तो मुझे क्या करना है कि मुझे df के venue में घुसना है और उसके ऊपर str dot स्प्लिट को कॉल करना है और फिर मुझे अप्लाई करना है लैम्डा एक्स एक्स का जीरो. अब आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बट ये कुछ है नहीं खास. ये देखो, इस पूरे कोड को रन करने से ये होगा कि स्टेडियम के अंदर से
फर्स्ट वर्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले स्प्लिट कर ले रहा हूं, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सब अलग हो गया, और इस कोड से क्या हो रहा है कि मैं फर्स्ट वाले वर्ड को निकाल रहा हूं। ठीक है, तो यही कोड यहां पे लिखा हुआ है, कॉमा डीएफ सिटी। अब अगर आप इस कोड को समझना चाहो तो बहुत ही सिंपल कोड है। मैं ये बोल रहा हूं, यहां पे तीन चीजें दी मैंने, फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछा, ये पहला आंसर है और ये दूसरा आंसर है। सो फंडा बहुत सिंपल है कि अगर ये ट्रू है तो उस जगह पे इसको फिल कर दो, और अगर ये ट्रू नहीं है तो इसको फिल कर दो। सिंपल फंडा है, अगर सिटी का वैल्यू मिसिंग है तो वेन्यू का पहला वर्ड निकाल करके फिल कर दो, अगर सिटी का वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर सिटी का जो वैल्यू है वही रहने दो। बस इतना सा कोड है, और इसको रन करते ही यू कैन सी मुझे एक लिस्ट मिल रहा है, एक नंपाई एरे मिल रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ एज सिटीज, और अब बस मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है डीएफ का सिटी इज इक्वल टू सिटीज, और अब अगर मैं लिखूं डीएफ डॉट इज नल डॉट सम, तो यू कैन सी अब मेरे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब बस एक लास्ट काम करना है, वेन्यू की जरूरत नहीं है, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, डीएफ डॉट ड्रॉप कॉलम्स आई वुड पास वेन्यू इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, और ये रहा भी डीएफ। ठीक है, तो मुझे जितनी चीजें चाहिए थी उसमें से अब तीन चीजें आ चुकी हैं, बैटिंग टीम आ चुकी है, बॉलिंग टीम आ चुकी है, और सिटी भी आ चुकी है। बट सिटी में प्रॉब्लम क्या है कि इट इज अ कैटेगोरिकल डेटा, और अगर आप इसके ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाते हो तो देर आर 86 डिफरेंट सिटीज जहां पे मैच हुआ है, और इनमें से कई सिटीज ऐसी है जहां पे सिर्फ एक ही मैच हुआ है। तो ऑब्वियसली हम हर सिटी को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन सिटीज को कंसिडर करेंगे जहां पे मिनिमम 5 मैचेस हुए हों। ठीक है, मतलब रफली अराउंड 600 बॉल्स फेंकी गई हों। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन 600, और इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाला और यहाँ पे डाला। सो यू कैन सी इतनी सिटीज आ रही हैं जहां पे मिनिमम 600 बॉल्स फेंकी गई हैं। 600 बॉल्स मतलब 120 से डिवाइड करो तो 5 मैचेस कम से कम हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे शेप निकालूं तो 35 सिटीज हैं, और अगर मैं सम निकालूं तो आउट ऑफ 63,000 50,000 डेटा मेरे पास बच रहा है। तो दिस इज व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट टेक ऑल द सिटीज, आई विल टेक ओनली दो सिटीज वेयर अ मिनिमम ऑफ 600 बॉल्स हैव बीन बोल्ड, मतलब 5 मैचेस खेले गए हों। अब मैं इन सिटीज का नाम एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, और इन सिटीज को मैं बोल रहा हूं एलिजिबल सिटीज। ठीक है, और अब मैं ये कोड लिख रहा हूं, डीएफ का सिटी इज इन एलिजिबल सिटी, और वापस मैं जब डीएफ में डालूंगा तो वो सारे मैचेस हट जाएंगे जो एलिजिबल सिटीज में नहीं हुए हैं। यू कैन सी 50,000 रोज बचे, एंड नाउ डीएफ इज इक्वल टू दिस। तो नाउ मेरे पास रोज कम हो गए बट कैटेगरीज भी कम हो गई, जो कि ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अब मेरे पास मेरे तीन कॉलम्स आ चुके हैं। नाउ आई फोकस ऑन करेंट स्कोर, इस बॉल के फेंके जाने के बाद स्कोर कितना था ये मुझे निकालना है। तो ये मैं बहुत इजीली क्यूमुलेटिव सम को यूज करके निकाल सकता हूँ। सो आई वुड राइट ग्रुप बाय, मैच के ऊपर मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, और क्यूमुलेटिव सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड आई एम कॉलिंग द रन्स कॉलम, एंड यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट बॉल के बाद एक भी रन नहीं था, सेकंड के बाद भी एक भी रन नहीं था, थर्ड पे एक पड़ा और उसके बाद तीन हुआ, उसके बाद दो हुआ, तो यू कैन सी 0 0 1 हुआ तो एक, उसके बाद दो हुआ तो 3 रन हो गए। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव स्कोर बन गया, तो मैं इसको एक नए कॉलम में डाल रहा हूं, करंट स्कोर,
और अब अगर मैं आपको डीएफ दिखाऊं तो ये रहा मेरे पास करंट स्कोर, ठीक है। सो मुझे ये वाला भी कॉलम मिल चुका है, चार कॉलम्स मिल गए, हमें चाहिए हैं बाकी के चार कॉलम्स। नेक्स्ट विल फोकस ऑन बॉल्स लेफ्ट एंड विकेट्स लेफ्ट। सो गाइज ये कोड मैंने थोड़ा लिख लिया है बिकॉज काफ़ी सारे लाइंस थे। सो मैंने क्या किया, मैंने इस बॉल वाले कॉलम को स्प्लिट किया सबसे पहले इस डॉट के बेसिस पे, ठीक है। इसके इस तरफ ओवर नंबर है और इस तरफ बॉल नंबर है, ठीक है। तो वही मैंने किया, ओवर को अलग बना लिया, बॉल को अलग बना लिया। और इसके बाद अगर मैं आपको डीएफ दिखाऊं तो यू कैन सी डिपेंडिंग ऑन द बॉल, अब मेरे पास ओवर का वैल्यू है और बॉल का वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उससे मैंने बॉल्स कितनी फेंकी गई अभी तक वो निकाला, मतलब ओवर्स को 6 से मल्टीप्लाई किया और उसमें बॉल नंबर को ऐड कर दिया। सो अब अगर मैं आपको डीएफ दिखाऊं तो यू कैन सी लास्ट में मेरे पास एक कॉलम है कि कितनी बॉल्स फेंकी जा चुकी हैं इस बॉल के बाद। तो करंट बॉल के बाद एक बॉल फेंकी जा चुकी है, सेकंड वाले के बाद दो, एंड लास्ट में यू कैन सी जैसे 19 ओवर 4 बॉल्स हैं, इट मींस 118 बॉल्स फेंकी जा चुकी हैं। अब यहाँ पे कभी कभी एक्स्ट्रास फेंके गए हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 19th ओवर में ये 7th बॉल है, तो ये 121वीं बॉल हो गई, ठीक है। तो मुझे चाहिए बॉल्स लेफ्ट, तो मैं क्या करूंगा 120 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो मैंने वही किया, बॉल्स लेफ्ट बोल के एक नया कॉलम बनाया, 120 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट सिंस एक्स्ट्राज हैं तो कुछ नंबर्स 121 122 भी जा सकते हैं, तो मैंने उस केस में क्या किया कि बॉल्स लेफ्ट का वैल्यू जहां भी नेगेटिव था उसको जीरो कर दिया, और जहां भी नेगेटिव नहीं था तो जो वैल्यू है वो रहने दिया। और इतना करने के बाद यू वुड सी कि जैसे कि यहां पर लास्ट वाले में देखो, ये 120 बॉल जैसी हुई तो हमारा जीरो हो गया, बट 121 में भी जीरो ही रहा, ठीक है, बॉल्स लेफ्ट जीरो ही रहा। अब यहाँ पे आप थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगेन आपके ऊपर है, मुझे ऐसा करने से सही रिजल्ट्स मिल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब बॉल्स लेफ्ट बोल के कॉलम आ चुका है, ये कॉलम हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इज विकेट्स लेफ्ट, मतलब कितने विकेट्स बचे। तो यहाँ पर प्लेयर डिसमिस बोल के एक कॉलम है, जहां पे अगर उस बॉल पे प्लेयर डिसमिस नहीं हुआ है तो वैल्यू जीरो है, अगर प्लेयर डिसमिस हुआ है तो उसका नाम लिखा हुआ है। मुझे निकालना है कि इस बॉल के बाद कितने विकेट्स बचे हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां भी प्लेयर का नाम था उसको वन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने मैच आईडी के ऊपर ग्रुप बाय करके क्यूमुलेटिव सम लगा दिया। सो यही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये किया कि अगर जीरो है तो जीरो कर दो, अगर जीरो नहीं है तो वन कर दो। उसके बाद मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर क्यूमुलेटिव सम लगा दिया और 10 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो अब मेरे पास हर बॉल पे, अगर मैं आपको डीएफ दिखाऊं तो यू वुड सी कि हर बॉल के बाद मुझे पता है कि कितने विकेट्स बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट में यू कैन सी कि एक ही विकेट बचा हुआ था, ठीक है। तो अब मेरे पास ये भी हो चुका है, विकेट्स लेफ्ट वाला कॉलम भी आ चुका है। अब सिर्फ दो कॉलम्स बचे, करेंट रन रेट और लास्ट 5 ओवर्स में कितने रन आए। तो करंट रन रेट निकालना बहुत सिंपल है, इसके लिए हमें बस दो चीजें चाहिए, करंट स्कोर कितना है और कितनी बॉल्स अभी तक फेंकी जा चुकी हैं। सो आई वुड राइट डीएफ का करंट रन रेट वुड बी इक्वल टू डीएफ का करंट स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय डीएफ का बॉल्स बॉल्स मैंने क्या नाम रखा है बॉल्स बोल्ड बॉल्स बोल्ड, ठीक है। और ये रहा डीएफ और ये रहा हर पॉइंट पे जो रन रेट है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये भी आ चुका है करेंट रन रेट, अब बस एक कॉलम बचा, दैट इज लास्ट 5। सो लास्ट 5 ओवर्स के रन्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट कोड है एक्चुअली। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम एक नया फंक्शन यूज करेंगे जिसको हम रोलिंग फंक्शन बोलते हैं। पैंडास में एक रोलिंग फंक्शन होता है कि आप किसी भी डेटा फ्रेम के ऊपर एक विंडो में रोल कर सकते हो, जैसे कि पिछले 10 रोज के ऊपर सम लगा सकते हो, पिछले 20 रोज के ऊपर सम लगा सकते हो, आपके ऊपर है। सो मैंने क्या कोड लिखा, सबसे पहले मैंने मेरा जो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम था
उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया मैच आईडी के बेसिस पे। बेसिकली हर मैच के रोज अलग हो गए। टोटल मिला के मेरे पास अराउंड पता नहीं 400-500 मैचेस का डेटा था, तो देर आर 400-500 ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लूप चलाया सारे मैच आईडीज के ऊपर, और हर बार ग्रुप से उस पर्टिकुलर मैच आईडी का डेटा फ्रेम को निकाला और उसके ऊपर रोलिंग विंडो को 30 करके, 30 इसलिए क्योंकि लास्ट 5 ओवर्स मतलब 5 × 6 बॉल्स, 30 बॉल्स का मैंने सम निकाला, और रन्स एक्स जो था, रन्स जो था उसके ऊपर सम अप्लाई किया। यहाँ पे रन्स एक्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ रन्स होगा, और इस कोड को आप जैसे ही रन करोगे तो आपको लास्ट 5 बोल के एक लिस्ट मिलेगा, जिसमें ऑब्वियसली हर मैच का जो पहला 30 बॉल्स है उसमें जो वैल्यू है वो नैन वैल्यू मिलेगी। क्यों नैन वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फॉर द फर्स्ट 30 बॉल्स आपके पास प्रीवियस 30 बॉल्स का सम हो नहीं सकता। जैसे अभी मैच में सिर्फ एक ही बॉल हुआ है, तो आप पिछले 5 ओवर्स में कितने रन्स बने थोड़ी निकाल सकते हो। पिछले 5 ओवर में कितने रन्स बने हैं ये आप सिर्फ तभी निकाल सकते हो जब आपने मिनिमम 30 बॉल्स खेल लिए उस मैच में। तो यू कैन सी फॉर एवरी मैच शुरू की 30 वैल्यूज मिसिंग है, और उसके बाद से फिर वैल्यूज चेंज होती जा रही है। यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं थोड़ा और स्क्रॉल करूंगा तो ये अगला मैच स्टार्ट हो गया, अगले मैच में भी शुरू की वैल्यूज मिसिंग है। सो अब बस मुझे क्या करना है, मुझे एक नया कॉलम बनाना है लास्ट 5 बोल के, और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया। सो अब मेरे पास जो मेरा डीएफ है उसमें सब कुछ है। ठीक है, लास्ट 5 CRR सब कुछ मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं मेरे काम के कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। बैटिंग टीम, मुझे मैच आईडी भी अब नहीं चाहिए। बॉलिंग टीम, सिटी 3 हो गए, और उसके बाद मुझे चाहिए है करंट स्कोर, मुझे चाहिए है बॉल्स लेफ्ट, मुझे चाहिए है विकेट्स लेफ्ट, मुझे चाहिए है करेंट रन रेट, और मुझे चाहिए है लास्ट 5 में कितने रन्स बने, और ऑब्वियसली मुझे ये भी चाहिए है कि फाइनल स्कोर कितना बना। बट मैंने फाइनल स्कोर तो बनाया ही नहीं, मतलब मुझे फाइनल स्कोर भी निकालना चाहिए था, वो मैं एक चीज मिस कर गया। तो एक काम करते हैं, इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं, और जो फाइनल स्कोर बना उस मैच में वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, डीएफ में जो हमारा रन्स है इसके ऊपर सम करना है ग्रुप आईडी ग्रुप बाय करके। सो आई वुड राइट दिस कोड, आई वुड राइट डीएफ डॉट ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ मैच आईडी डॉट सम ऑन विच कॉलम रन्स, एंड यू कैन सी हर मैच में कितने रन्स बने ये मेरे पास आ चुका है। इसको अगर मैं रीसेट इंडेक्स कर दूं तो ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ चुका है। इसको अगर मैं मर्ज कर दूं विथ डीएफ ऑन मैच आईडी, तो यू कैन सी ये जो रन्स एक्स आ रहा है ये है फाइनल कितने रन्स बने, और यहाँ पे जो रन आ रहा है रन्स वाई ये है कि उस बॉल पे कितने रन्स बने। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, फाइनल डीएफ। और अब मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, फाइनल डीएफ के अंदर से इतनी चीजें निकालनी है, कॉपी बैटिंग टीम बॉलिंग टीम सिटी करंट स्कोर बॉल्स लेफ्ट विकेट्स लेफ्ट सीआरआर और लास्ट में रन्स का एक्स, और ये रहा गाइस हमारा आउटपुट। ठीक है, इसको मैं वापस फाइनल डीएफ में स्टोर कर लेता हूँ, सॉरी फाइनल डीएफ में स्टोर कर लेता हूँ। सो नाउ दिस इज फाइनल डीएफ। ठीक है, अराउंड 50,000 रोज का डेटा है, और अब मुझे बस दो काम करने हैं। फर्स्ट जितनी भी मिसिंग वैल्यूज हैं एनए इनको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इस पॉइंट पे इजनल डॉट सम करूँ, लेकिन सी 12,000 वैल्यूज मिसिंग है, सो आई वुड राइट ड्रॉप एनी
or in place equals true. And now you can see, अगर आप final df करो और dot is null dot sum करो तो देर आर नो वैल्यूज विच आर मिसिंग. ठीक है, अब एक लास्ट काम और है, किसी भी तरह का बायस डेवलप ना हो इसलिए मैं शफलिंग करूंगा. सो आई वुड राइट दिस सैम्पल फाइनल df डॉट शेप का 0. ठीक है, 38,000 रोज बच रहे हैं और मैं फाइनल df में इसको वापस स्टोर कर दूंगा और ये रहा फाइनल df. सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है रन्स एक्स. ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है और मॉडल बिल्डिंग करनी है. सो गाइज, अब बस हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का कोड मैंने लिख रखा है, एक्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये कोड हमने रन कर दिया. एंड यू कैन सी कि हमारा एक्स ट्रेन ये रहा. अब ये जो चीज है और ये जो मैं आपको तब से दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल सेम डेटा है, मतलब आई गेस सेम डेटा है, एटलीस्ट कॉलम सेम है, रोज डिपेंड करता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के ऊपर, बट या ये मेरे पास सेम टू सेम है. और इसमें 30,000 रोज हैं और बाकी के जो 8,000 रोज हैं वो टेस्ट में चले गए. उसके बाद मैंने कुछ डिपेंडेंसीज इंपोर्ट की, जैसे कि कॉलम ट्रांसफॉर्मर, पाइपलाइन. मैंने अलग अलग एल्गोरिदम्स ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ मैं. तो जो सबसे बढ़िया रिजल्ट मुझे मिल रहा था वो एक्स जी बूस्ट से मिल रहा था. रैंडम फॉरेस्ट भी ठीक रिजल्ट दे रहा था बट ज़्यादा अच्छा एक्स जी बूस्ट दे रहा था. तो मैंने यही दोनों यहाँ पे रखे हैं और इसके अलावा मेट्रिक्स वगैरह इम्पोर्ट किया है, स्टैंडर्ड स्केलर इम्पोर्ट किया है, वन हॉट इनकोडर इम्पोर्ट किया है. और सबसे पहले मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मर बनाया क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसमें ये 3 कॉलम्स स्ट्रिंग है तो इनको हमें वन हॉट इनकोड करना पड़ेगा. तो वही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी के कॉलम्स को पास थ्रू कर रहे हैं हम लोग एज इट इज. और उसके बाद मैंने एक साइकिटलर्न पाइपलाइन बनाई जहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारा डेटा इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद सारी वैल्यू स्केल होंगी और लास्ट स्टेप में हम एक्सजी बूस्ट का रिग्रेसर चलाएंगे विथ 30 पैरामीटर वैल्यूज. ठीक है, सो ये रहा मेरा पाइप और उसके बाद मैंने मॉडल को ट्रेन किया, प्रिडिक्शन किया, आर टू स्कोर निकाला और मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला. एंड यू कैन सी गाइज, हमारा जो आर टू स्कोर है वो 98.7 के अराउंड आ रहा है और हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है दैट इज 1.73. लाइक दिस इज रियली गुड. जब मैं पहले इसको कर रहा था तो और थोड़ा खराब आ रहा था, समहाउ अभी मैंने कुछ डिफरेंट किया और जिसकी वजह से ये सारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है. ऑल दो ऑब्वियसली हमें एक बार क्रॉस वैल स्कोर निकाल के ये पूरी चीज को टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा तो रिड्यूस होना हो जाएगा, बट अगेन या मतलब दिस इज रियली गुड. ठीक है, आप और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके देख सकते हो, क्रॉस वैल स्कोर निकाल के देख सकते हो और इन सारी चीजों से आपको समझ में आ जाएगा. बट या दिस मॉडल इज परफॉर्मिंग रियली वेल. ठीक है, सो या दैट्स इट. अब हमें क्या करना है, इस मॉडल को एक्सपोर्ट करना है. सो मैं इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, पिकल डॉट डंप पाइप, और इसको हम लोग पाइप डॉट पी के एल के नाम से ही एक्सपोर्ट करेंगे, राइट बाइनरी. एंड ऑब्वियसली ये मॉडल थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1,000 एस्टिमेटर्स लिए हैं. सो दिस मॉडल इज लाइक 67 MB का बड़ा है. और अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल को यूज करके हमारा वेबसाइट बनाएंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे. सो गाइज, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है पाईचार्म में और जो मेरा पाइप डॉट पी के एल फाइल है उसको भी मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया है. अब मैं एक यहाँ पर नया पाइथन फाइल बनाऊंगा, आई विल कॉल इट ऐप, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रीमलेट वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसको यूज करके हम यूजर से इनपुट लेकर के प्रिडिक्ट करेंगे कि किसी मैच में कितने रन बन सकते हैं. तो सबसे पहले वी विल हैव टू इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज ST, हमें पिकल भी चाहिए पड़ेगा, हमें पैंडास भी चाहिए पड़ेगा और शायद नंपाई की भी जरूरत पड़ सकती है. सबसे पहले आई विल इम्पोर्ट द पाइप ऑब्जेक्ट. सो आई वुड राइट पिकल डॉट लोड ओपन एंड यहाँ पे आई विल प्रोवाइड द पाथ. सेकंड, मुझे टीम्स का नाम चाहिए. सो टीम्स का नाम मुझे मिल जाएगा यहाँ पर,
टीम्स आई गेस यहाँ पर था, या ये रही वो 10 टीम्स पाइथन लिस्ट में. आई कॉपी देम एंड पेस्ट देम. ऑल्सो आई वुड लाइक टू हैव द सिटीज. सिटीज मुझे मिल जाएंगी एलिजिबल सिटीज में, एंड दीज आर द एलिजिबल सिटीज. कॉपी पेस्ट. अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा एसटी डॉट टाइटल के अंदर क्रिकेट स्कोर प्रिडिक्टर, और क्रिकेट स्कोर प्रिडिक्टर के आगे हमें एसटी डॉट, सबसे पहले मुझे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बनाना है. एसटी डॉट बीटा कॉलम्स 2 चाहिए विथ कॉलम 1. एस टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट बैटिंग टीम एंड आई विल पास द लिस्ट ऑफ टीम्स इन सॉर्टेड ऑर्डर, और जो भी सेलेक्ट होगा उसको हम लोग बैटिंग टीम बोल के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. सिमिलरली विल हैव विथ कॉलम 2 बैटिंग टीम चाहिए हमें. आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. दिस वुड बी बॉलिंग टीम सेलेक्ट बॉलिंग टीम. इसके बाद हमें पता करना है कौन सी सिटी में मैच हुआ. सो सिटी इज इक्वल टू एस टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट सिटी सॉर्टेड सिटीज. उसके बाद हमें पता करना है कि मैच का स्टेट क्या है. सो आई वुड फाइंड कॉलम 3 कॉमा कॉलम 4 कॉमा कॉलम 5 इज इक्वल टू एस टी डॉट सेलेक्ट बॉक्स, एक्चुअली एस टी डॉट बीटा कॉलम्स 3 विथ कॉलम 3 एस टी डॉट नंबर इनपुट करेंट स्कोर. लेट्स स्टोर इट इन अ वेरिएबल कॉल्ड करेंट स्कोर विथ कॉलम 4 ओवर्स डन एस टी डॉट नंबर इनपुट ओवर्स डन वर्क्स फॉर ओवर ग्रेटर देन 5. हमारा ये प्रॉब्लम है विथ कॉलम 5 विकेट्स इज इक्वल टू एस टी डॉट नंबर इनपुट विकेट्स आउट. ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ ओवर्स बोलते हैं. और लास्ट में हमें एक चीज और चाहिए, लास्ट 5 ओवर्स में कितने रन्स बने हैं. एस टी डॉट नंबर इनपुट रन्स स्कोर्ड इन लास्ट 5 ओवर्स. ठीक है, और लास्टली हमें बस एक बटन चाहिए. सो वी वुड राइट इफ एस टी डॉट बटन प्रिडिक्ट स्कोर होगा इस बटन का टाइटल पास. दिस इज आर यूआई. एक बार हम इसको रन करेंगे. सो वी वुड राइट दिस कमांड स्ट्रीमलेट रन एप डॉट पी वाई. ओके, सो हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल एक्सजी बूस्ट. सो यू कैन सी एक बार जब मैंने इंस्टॉल करने के बाद दोबारा से स्ट्रीमलेट को चलाया तो नाउ द ऐप इज रनिंग एंड यू कैन सी दिस इज द ऐप.
बैटिंग टीम बॉलिंग टीम आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिटीज आप सेलेक्ट कर सकते हो, देर आर 35 ऑप्शंस, करंट स्कोर, कितने ओवर्स, कितने विकेट्स और लास्ट 5 ओवर्स में कितने रन्स आए हैं, ये सब आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अब बस हमें क्या करना है, यूज़र का इनपुट लेना है, उसको सही फॉर्मेट में लेके आना है। सही फॉर्मेट मतलब दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में लेके आना है, और फिर हमें क्या करना है, उसको हमारे एल्गोरिदम में भेजना है और हमारा एल्गोरिदम प्रिडिक्शन करेगा। ठीक है, तो सी बैटिंग टीम बॉलिंग टीम हमारे पास है, सिटी भी हमारे पास है, करंट स्कोर भी यूज़र प्रोवाइड कर रहा है, और बॉल्स लेफ्ट हमें निकालना पड़ेगा 120 माइनस ओवर्स करके, विकेट लेफ्ट भी निकालना पड़ेगा, करंट रन रेट और लास्ट 5 भी हमारे पास है। सो टेक्निकली हमें ये 3 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, बॉल्स लेफ्ट, विकेट्स लेफ्ट, CRR। सो लेट्स डू दैट। सो बॉल्स लेफ्ट वुड बी इक्वल टू 120 माइनस हमारा जो ओवर्स है मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, उसके बाद विकेट्स लेफ्ट वुड बी 10 माइनस विकेट्स, और करंट रन रेट वुड बी इक्वल टू आपका बेसिकली जो भी करंट स्कोर है डिवाइडेड बाय जितने भी आपके ओवर्स हुए हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। सो या गाइस, मैंने एक नया डेटा फ्रेम बना लिया जिसमें सिर्फ एक रो है। आई विल इन फैक्ट शो यू ST.Table के अंदर, आई विल पुट इनपुट DF एंड लेट मी शो यू कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी, हमारे पास पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है और मैच हो रहा है लेट्स से ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। करंट स्कोर है 100, 10 ओवर्स के बाद 3 विकेट्स आउट हुए हैं और लास्ट 45 रन्स बने लास्ट 5 ओवर में। एंड यू कैन सी ये हमारा डेटा फ्रेम है, इसी को हम फीड करेंगे टू पाइप। सो वी वुड राइट पाइप डॉट प्रिडिक्ट इनपुट DF और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, और हम ST.Text के अंदर रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। सो गोइंग बैक, प्रिडिक्ट स्कोर, ओके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, ऑकलैंड 100, 10 ओवर्स, 3 विकेट्स, 45 रन्स, प्रिडिक्ट ओके। सो देर इज सम एरर। सो या गाइज, वो जो एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर जो XG बूस्ट इंस्टॉल किया था वो था 1.5.0, और जो XG बूस्ट में हमारा मॉडल बना है वो XG बूस्ट है 1.4.2। तो मैंने क्या किया, मैंने XG बूस्ट का 1.4.2 वाला वर्जन इंस्टॉल किया। यू कैन सी पहले मैंने अनइंस्टॉल किया 1.5.0 और फिर मैंने इंस्टॉल किया 1.4.2, और उसके बाद फिर ये कोड अब काम कर रहा है। यू कैन सी जब मैंने ये मैच सिचुएशन डाला, ये मैच सिचुएशन डाला तो मुझे 175 का आउटपुट आ रहा है इस मैच सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो अब बस मुझे क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको सही से डिस्प्ले करना है। सो अगर मैं रिजल्ट का 0 कर दूँ तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है और फिर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है सो दैट मैं इसको स्ट्रिंग के साथ अपेंड कर पाऊँ। और अब बस मुझे यहाँ पे लिखना है प्रिडिक्टेड स्कोर प्लस, और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह आई कैन राइट हेडर। सो या एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच में, इसको हम लोग एज इनपुट डालते हैं। सो मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच, जो सिटी है वो है दुबई।
दुबई करंट स्कोर है 98/5 और ओवर्स हो चुके हैं 17 और लास्ट 5 ओवर्स में बने हैं 38 रन्स। प्रेडिक्ट स्कोर, द प्रेडिक्टेड स्कोर इज 124, जो कि काफी सही लग रहा है। देखेंगे 1-2 घंटे बाद क्या होता है। साउथ अफ्रीका वाला भी टेस्ट कर लेते हैं। अब ये मैच कहाँ पर हो रहा है मुझे नहीं पता। टॉलरेंस ओवल पता नहीं कहाँ का ग्राउंड है। बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है, आई एम श्योर हमारे लिस्ट में ये मैच नहीं हो सकता, मतलब हमारे लिस्ट में ग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज दिस इज़ वर्किंग। एक दो चेंजेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं और मुझे ये वर्जन प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है एक्सटी बूस्ट का। नाउ दिस मॉडल इज़ रेडी एंड इट इज़ वर्किंग। सो अब बस हमें क्या करना है, इसको उठा करके हेरोकू पे डिप्लॉय करना है। 124 का प्रेडिक्टेड स्कोर है। अब गाइस, अगर आपको हेरोकू पे डिप्लॉय करना है इस ऐप को, तो आपको सबसे पहले हेरोकू पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी है, मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आपको एक नया ऐप बनाना पड़ेगा और इस ऐप का नाम मैं रख रहा हूँ क्रिकेट स्कोर प्रेडिक्टर कैंपस एक्स। क्रिक स्कोर प्रिडिक्टर कैंपस एक्स, ये मेरा ऐप है, क्रिएट कर लिया हमने। और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू डाउनलोड हेरोकू CLI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं होगा। तो डिपेंडिंग ऑन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यू हैव टू डाउनलोड इट। और अब हमें क्या करना है, कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है हमारे प्रोजेक्ट में। सो सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा सेटअप डॉट sh। ये एक बैच फाइल है, इसके अंदर का कंटेंट होगा इतना। उसके बाद हमें एक और फाइल बनानी है और इसका नाम होगा प्रॉक फाइल, और प्रॉक फाइल का कंटेंट होगा ये जो कमांड हम रन कर रहे थे अपने स्ट्रीमलेट वेब ऐप को रन करने के लिए। और लास्टली मुझे चाहिए एक रिक्वायरमेंट्स डॉट txt फाइल, जहां पे मैं बताऊंगा मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करवानी है सर्वर पे। सबसे पहले मुझे चाहिए एक्सजी बूस्ट 1.4.2, मुझे चाहिए स्ट्रीमलेट, मुझे चाहिए है क्या, मुझे और कोई लाइब्रेरी चाहिए है, नहीं मुझे और कोई लाइब्रेरी नहीं चाहिए। पैंडास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करने के प्रोसेस में, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, हमें लाइन से ये कमांड्स रन करने हैं। सबसे पहले हमें हेरोकू लॉगिन करना है, सो कॉपी, और हम यहाँ पे पहले कंट्रोल सी लिखेंगे, कॉपी। सबसे पहले ही मुझे ऑथेंटिकेट करवाएगा, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, हम लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद हमें गिट इनिशियलाइज करना है मेरे प्रोजेक्ट में। उसके बाद मुझे ये कमांड रन करना है, उसके बाद गेट एड ऑल फाइल्स, उसके बाद गेट कमिट, एंड लास्ट में आई हैव टू राइट गेट पुश हेरोकू मास्टर। और अब ये कमांड के बाद मेरा पूरा कोड बेस पुश हो जाएगा हेरोकू के सर्वर्स पे। सो लेट्स वेट। सो या गाइज, इंस्टॉल हो गया हमारा ऐप, डिप्लॉय हो गया, आई एम सॉरी, देर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम। पहली बार जब मैंने इसको डिप्लॉय किया तो वहाँ पे एरर आने लगा कि एसके लर्न इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो मैंने अलग से फिर रिक्वायरमेंट्स डॉट txt में एसके लर्न डाला और फिर से पूरे स्टेप्स को रिपीट किया। और अब अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा ऐप स्टार्ट हो रहा है
ऑल्सो ये थोड़ा स्लो हो गया है. उसका रीजन ये है कि ये बहुत बड़ा हो गया है ऐप एक्स जी बूस्ट को इंस्टॉल करने के बाद. तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर स्लग साइज 388 MB एक्सीड्स आर सॉफ्टवेयर लिमिट 300 MB विच में अफेक्ट बूट टाइम. सो यहाँ पर यही हो रहा है कि शुरू होने में थोड़ा टाइम लग रहा है. सो अब अगर हम देखें बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच, मैच हो रहा है लेट्स से ढाका में. ढाका है ही नहीं, लॉर्ड्स लंदन. करंट स्कोर है 90 आफ्टर 9 ओवर्स, 3 विकेट्स और 40 रन्स बने हैं लास्ट 5 ओवर्स में. सो द आउटपुट इज 183. ठीक है. सो या दैट्स द प्रोजेक्ट गाइस. ऑल्सो थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दिखाया था इस मैच के ऊपर जो भी लाइव चल रहा था, और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 124 का आउटपुट आ रहा था, बट वेस्ट इंडीज ने एक्चुअली 130 बनाए. सो हुआ क्या कि लास्ट ओवर में पोलार्ड बैटिंग कर रहा था और उसने लगातार 5 चौके हमारे पागल हो गया था. और लास्ट बॉल पे आउट हो गया. तो ये थोड़ा रेयर होता है कि कोई बैट्समैन 5 चौके हमारे एक ओवर में, तो कुछ रेयर सी चीज़ हुई, इसलिए हमारा जो प्रेडिक्शन था थोड़ा ऑफ आया. अदरवाइज या 124 के आसपास ही होता है इनका स्कोर. ठीक है. सो या दैट्स द प्रोजेक्ट. आई होप आपको मजा आया. सो दैट्स इट फॉर द प्रोजेक्ट गाइज. आई होप आपको पसंद आया हो. और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़े से खुद से इसमें चेंजेस लाओ, थोड़ा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करो, कुछ नए फीचर्स ऐड करो. द आइडिया इज़ कि आप और एक्यूरेट बनाओ इस प्रोजेक्ट को. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद पीपल जिसको इसकी ज़रूरत है. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.